the chapter. Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are basically on the last portion of our chapter. And basically, जो हमने last topic किया था उसी के connection में है ये वाला topic जो हम आज करेंगे. Okay? So, अभी basically we already have done, you can say, lot about things in terms of कैसे कैसे evolve हुआ था and how did actually we will notice that how the developments or how did the people get evolved at various stages, है ना? This is what we have already done. And we have done ki how did they obtain food? They were basically hunter gatherers, scavengers, and later even they learned fishing. Okay, so this is what we have already done. And we, in our last classes, we also talked about the kind of modes of communication that they use in terms of language and art. And then more specifically, we had a kind of talk about few hunter-gatherer societies in the present times. ठीक है? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे scholars हैं, जो historians हैं, जो researchers हैं, they actually try to compare the life of the hunter-gatherer societies of today with the early men of the older times. ठीक है? तो इसको compare कैसे करें? So here we should actually focus on certain things. And we will see, obviously, historians जो उनके अलग अलग opinion है इससे regarding. ऐसा नहीं है कि सबके सब same ही सोचते हैं. There are, you can say, lot of variation in terms of what historians think. Okay? So अगर हम देखें जो अपना present day hunter gatherer की जो knowledge है उससे क्या हुआ है जो anthropologist हैं जो ये देखते हैं भाई ह्यूमन बीइंग्स में कैसे डेवलपमेंट हुआ है इन देयर कल्चर एंड अदर थिंग्स. सो अब वो कोशिश करते हैं कि हम पास्ट सोसाइटीज को इन इंफॉर्मेशन से यानी आज के हंटर गैदरर्स के जो सिस्टम है उससे क्या करें समझने की कोशिश करें. बट ऐसा नहीं है कि सबका सेम ओपिनियन है. पीपल डू वेरी इन द यू कैन से इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस hunter-gatherer societies from present to the past. Now, क्या two views हैं जो totally एक दूसरे से opposite हैं वो करते हैं. उससे पहले एक चीज देख लेते हैं. There is a term that is used in the book that is ethnography. Ethnography क्या होती है? Basically contemporary ethnic groups. यानी अभी के जो prevalent ethnic groups हैं, cultural groups हैं, उनके पूरा लाइफस्टाइल को अच्छे से स्टडी करना. मतलब उनके मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जेंडर किस तरीके से उनके रोल्स डिफाइंड हैं, क्या इनके रिचुअल्स हैं, क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और किस तरीके के सोशल कस्टम्स. ठीक है? सो दिस इज टोटली व्हाट डू द एथनोग्राफर्स स्टडी. ओके, सो अब हमें इतना यहाँ पे समझना है कि इसको वो लोग कंटेम्प्रेरी जो हंटर गैदरर सोसाइटीज है उसकी स्टडीज करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अगर क्या जो अर्ली हमारे होमो सेपियंस या जो अर्ली होमो हैबिलिस या जो हम सिंपल टर्म्स में अर्ली हंटर गैदरर्स थे वो भी वैसी लाइफ ही जीते थे या अलग थी. तो फर्स्ट अगर हम व्यू देख ले तो वन साइड ऑफ स्कॉलर्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने डायरेक्टली ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज है वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करेंगे इंटरप्रेट करने की कि पिछले जो मतलब पास्ट में जो हंटर गैदरर्स थे उनकी लाइफ कैसी. तो वन साइड ऑफ द स्कॉलर्स हु हैव डायरेक्टली अप्लाइड द स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स सोसाइटीज to interpret the archaeological remains of the past. यानी पहले के जो हमें archaeological past मिले हैं उसको अभी के data से compare करके कोशिश करते हैं parallel draw करने की. For example, कुछ archaeologists जो हैं उन्होंने ये suggest किया है
की जो होमोनिड जहाँ पे रहते थे, होमोनिड्स की जो साइट्स है अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, वो है अलोंग लेक तुर्काना। और ऐसा माना जाता है कि वो लोग ड्राई सीजन में क्या करते थे, वहां पे कैंप्स फॉर्म कर लेते थे। क्यों वो बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऐसी ही प्रैक्टिस अभी जो हेड्जा और कुंगसैन ट्राइबल ग्रुप्स है या जो हंटर गैदर ग्रुप्स है वो भी ऐसा ही करते हैं। यानी हमें में जो पास में एविडेंसेस मिले हैं कैंप्स वगैरह के लेक तुर्काना के आसपास टेम्परेरी, जैसे सिर्फ ऐसे लगता है ड्राई सीजन में किए होंगे, और ऐसा ही जो हड्जा और कुंगसैन वाले लोग करते हैं हंटर गैदरर्स अभी प्रेजेंट में, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो वो बोल रहे हैं दे आर ट्राइंग टू कंफर्म इट कि जो होमोनिड थे ना वो लोग भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि अभी वाले जो ट्राइबल ग्रुप है वो भी यही करते हैं। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ एक हम बोलेंगे साइड है या एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है जो ऐसा सोचते हैं। दूसरे जो है अदर साइड की स्कॉलर्स वो बोलते हैं एथनोग्राफिक डेटा जो है उसको हम लोग, वो अप्रोप्रिएट नहीं है पास सोसाइटीज को समझने के लिए, क्योंकि दोनों टोटली क्या है, डिफरेंट है। बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट, पास्ट अलग है, फ्यूचर जो अभी प्रेजेंट है वो टोटली अलग है। फॉर इंस्टेंस जो प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स हैं वो तो बहुत सारी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हंटिंग गैदरिंग तो करते ही है, बट इसके अलावा वो ट्रेड में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रेड करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, इवन वो बहुत बार पेड लेबर के फॉर्म में काम करते हैं नेबरिंग फार्मर्स के लिए, और छोटा मोटा कुछ काम करते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सेम होंगे, क्योंकि पास में तो एक्स्ट्रा काम तो थे ही नहीं, ऐसा ट्रेड वेड तो था ही नहीं, एक्सचेंज नहीं था, फार्मिंग और किसी के लिए काम करना तो था ही नहीं, सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग थी। तो हाउ कैन वी कंपेयर द प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज हु एक्चुअली परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलॉन्ग विथ हंटिंग गैदरिंग एंड एक्सचेंजिंग थिंग्स एंड ट्रेडिंग इन माइनस फॉरेस्ट रिड्यूस एंड डूइंग अदर जॉब्स विथ द अर्लियर हंटर गैदर ग्रुप्स हु जस्ट डिड हंटिंग एंड गैदरिंग एंड मे बी देन स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग। सो मोर ओवर इसके अलावा ये बोलते हैं ये जो सोसाइटीज हैं ये टोटली मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड का क्या मतलब है, इन ऑल वेज इट हैज बीन मार्जिनलाइज्ड, यानी एक कॉर्नर में एक तरीके से सेपरेटेड है, चाहे ज्योग्राफिकली हो, पॉलिटिकली हो या सोशली हो। तो जिस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे अर्लियर हंटर गैदरर्स यूज टू लिव। सो हाउ कैन वी ड्रॉ पैरेलल बिटवीन दीज टू बिगर टाइम डिफरेंसेस, ऑब्वियसली दैट मीन्स इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू समवेयर रिलेट द अर्ली हंटर गैदरर्स विद द कंटेम्प्रेरी या द प्रेजेंट हंटर गैदरर्स। अब एक और जो प्रॉब्लम है, अगर हम हंटर गैदरर्स के बारे में बात करें, हंटर गैदरर की सोसाइटी से रिलेटेड, तो डेटा सेम नहीं होता है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, एक एरिया के जो हंटर गैदरर्स हैं वो लोग सपोज ज्यादा हंटिंग करते हैं और दूसरे एरिया के जो है वो सपोज ज्यादा गैदरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हंटिंग और गैदरिंग जो है वो भी वेरिएंट है, उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस डिफरेंट है फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, ओके। ग्रुप साइजेस अलग है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो ग्रुप का साइज है वो बहुत बड़ा है, हंटर गैदरर का जो ग्रुप्स है, कहीं पे जो ग्रुप का साइज है वो बहुत क्या है, छोटा है। सो दैट मींस दे डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ओके। नाउ इसीलिए हम ना एक पैरेलल नहीं बना सकते कि हर हंटर गैदरर की सोसाइटी ऐसी ही होती है, जब प्रेजेंट टाइम में इतना डिफरेंस है एक एरिया से दूसरे एरिया में, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग गैदरिंग हो वो अलग अलग है अलग अलग हंटिंग गैदरिंग ग्रुप्स में, या फिर ग्रुप साइजेस हो, या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या ज्यादा लोग एक ही जगह पे रहते हैं, उनका पूरा लाइफस्टाइल ही एक दूसरे से अलग होता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है ये टोटली रिलेट करना विद द अर्लियर हंटर गैदरिंग। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ लिटिल कंसेंसस रिगार्डिंग द डिविजन ऑफ लेबर इन फूड प्रोक्योरमेंट, यानी कि बहुत कम
लोग एग्री करते हैं रिगार्डिंग डिविजन ऑफ लेबर फूड रिक्वायरमेंट में, यानी फूड ऑप्टेन करने में. ऑल्दो टुडे जनरली वुमेन गैदर एंड मेन हंट, तो ज्यादातर क्या होता है वुमेन जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाते हैं और जो एक जगह पे रह के वो क्या करते हैं, एक तो वो हमने देखा था ग्रुप्स में मूव करते हैं, और अगर फूड की बात करें तो वो गैदरिंग वाला काम करते हैं, और जो मेन है वो हंटिंग वाला करते हैं. बट कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन हंट और गैदर करते हैं और टूल्स भी बनाते हैं. तो इसीलिए इन एनी केस द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई इन सच सोसाइटीज कैन नॉट बी डिनाइड. यानी वुमेन का जो इम्पोर्टेंट रोल है फूड सप्लाई में, जरूरी नहीं है एवरी टाइम हंटिंग ही हो, गैदरिंग एंड समटाइम्स हंटिंग गैदरिंग बोथ एंड देन ऑल्सो मेकिंग टूल्स. तो इम्पोर्टेंस जो वुमेन की है उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते. इट इज परहैप्स दिस फैक्टर दैट एंश्योर्स अ रिलेटिवली इक्वल रोल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. तो परहैप्स हो सकता है कि ये जो फैक्टर है कौन सा, कि मेन एंड वुमेन इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन बेसिकली, उस समय फूड ऑब्टेनिंग मेन प्रॉब्लम इशू था वहां पे, है ना, मेन रिक्वायरमेंट की. तो इसीलिए हो सकता है इक्वल रोल हो ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इन प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज. ऑल्दो देर आर वेरिएशंस, जबकि ठीक है ऐसा नहीं है एवरीवेयर इट इज सेम, हमें पता है कहीं ज्यादा होगी इंपॉर्टेंस, कहीं इक्वल होगी, कहीं कम होगी. सो वाइल दिस मे बी केस टूडे इट इज डिफिकल्ट टू मेक एनी सच इन्फ्रेंस फॉर द पास्ट. यानी ये चीज जो है हम अभी क्या तो बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो वी आर लिविंग एंड इन द प्रेजेंट टाइम वी कैन रिसर्च अबाउट इट एंड वी कैन सर्च मोर थिंग्स अबाउट. बट पास्ट में ऐसा होता था या नहीं होता था, दैट इज समथिंग विच इज मोर क्वेश्चनेबल बिकॉज वी डू नॉट हैव टोटल प्रूफ फॉर इट. ओके, सो बेसिकली हमने दो चीजें पढ़ ली है. हमने लास्ट क्लास में हंटर गैदरर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कैसे लाइफ जीते हैं, और आज हमने ये पढ़ा है कि एक ग्रुप तो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी क्योंकि ये भी हंटर गैदरर हैं और वो भी हंटर गैदरर थे, तो ऑब्वियसली कुछ तो लाइफस्टाइल में सिमिलैरिटी होगी. और इन्होंने कोशिश की है पैरेलल ड्रॉ करने की और बोलने की कि इस टाइप के अभी के रहते हैं तो वहां उस टाइम भी इसी टाइप से रहते हैं, जबकि जो दूसरा सेक्शन है वो टोटली बोलता है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज समवेयर क्वेश्चनेबल थिंग्स बिकॉज प्रेजेंट डे की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है विद द सिचुएशंस इन द पास्ट. चाहे हम किसी भी टर्म्स में बात कर लें, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर लें, चाहे जिस हिसाब से वो सोसाइटी में रहते हैं वो बात कर लें. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अबाउट द अर्ली फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, when we talk about this section we have basically seen many kind of evolutionary phases in the human development. Every sector, again I'll repeat, sirf ye nahi ki physically kaise develop hue the, brain size kaise develop hua tha, food item kaise obtain karte the, communicate kaise karte the, rehte kaise the, kya changes aaye the, that is what we have already done. Now we need to understand that for millions of years humans jo hai wo hunting karte the wild animals ki aur gathering karte the wild plants, aise hi unki lifestyle chalti thi. But then between 10,000 and 4,500 years ago we will notice ki alag alag parts jo hai world ke wahan pe kya hone lag gaya, wahan pe domestication hone laga, domestication of plants and animals. ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ आर्ट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाट डू वी मीन बाय दिस, मतलब डोमेस्टिकेटिंग एनिमल आल्सो एंड प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर करना उनको आ गया था. सो दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ. और ये जो शिफ्टिंग है किस चीज से, ये जो शिफ्टिंग है from being a hunter gatherer to a farmer, a farmer and basically also domesticating animals have totally changed. We'll notice that it did change the human history
इन अ बिगर वे. अब ये भी हम देख लेते हैं कि ये चेंज आया कैसे. जब वो आराम से हंटिंग गैदरिंग की लाइफ स्पेंड कर रहे थे, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई वाज देयर अ नीड टू मूव इनटू दिस. एक्चुअली में क्या है, जो हम देखें अगर लास्ट आइस एज जो है, जो आया था बेसिकली टू एन एंड अबाउट 13,000 ईयर्स अगो. अब इसमें क्या हुआ था कि वार्मर हो गया था क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा, और साथ में बेटर कंडीशंस भी हो गई. तो क्लाइमेट वार्मर के साथ साथ क्या हो गया था, वेट भी हो गया था, यानी बारिश भी आने लग गई थी और थोड़ी गर्मी भी हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो गई फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस. और ग्रासेस कौन से, सच एज वाइल्ड बार्ले एंड वीट, ग्रेन्स आ गए हैं हमारे ग्रोइंग. इनके लिए टेम्परेचर और कंडीशंस क्या हो गई है, फेवरेबल हो गई. At the same time as open forest and grassland expanded, the population of certain animal species such as wild sheep, goat, cattle, pig and donkey increased. So, जैसे जैसे open forest बढ़े, grasslands expand हुए, तो animal species जो है उनका भी number बढ़ा. कौन से वाले, sheep, goat, अभी wild ही थे ये, cattle, pig, donkey etc. तो हम धीरे धीरे क्या देखते हैं, अब जो ह्यूमन सोसाइटी ने देखा कि इतनी सारी वाइल्ड ग्रासेस और एनिमल्स अवेलेबल हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ एरिया को परमानेंटली ऑक्यूपाई करने लग गए कि यहाँ पे तो ग्रासेस और ये सब वाइल्ड ग्रेन्स अवेलेबल हैं और एनिमल्स भी अवेलेबल है जिनको आराम से हम यूज कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं. बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे परमानेंट कम्युनिटीज वहां पे रहने लग गई, तो ऐसे लगा कि परमानेंट कम्युनिटीज जो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वहां रहती है और उस एरिया को प्रेफरेबल एरिया हो गया, क्योंकि वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, तो ज्यादा लोग वहां पे परमानेंटली रहने लग गए. अब जब वो परमानेंटली रहने लग गए तो उनको फूड सप्लाई की ज्यादा जरूरत पड़ी, जिसके कारण हो सकता है उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स शुरू कर दिया. और यानी एक तो है कि क्लाइमेटिक चेंज के कारण फेवरेबल कंडीशन हो गई, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण फेवरेबल कंडीशन हो गई. फिर हो सकता है कि अब उनको ग्रेटर रिलायंस चाहिए था कि हमारे पास फूड की टोटल अवेलेबिलिटी हो, और कुछ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस इनको नॉलेज भी हो गया होगा कि वीट ऐसे ग्रो करते हैं, बार्ली ऐसे ग्रो करते हैं, राइस ऐसे ग्रो करते हैं, मिलेट ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है. एंड एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, डोंकी एंड पिग प्लेड अ रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन. और उसके बाद एनिमल्स जो है उनको भी वो डोमेस्टिकेट करने लग गए, एंड धीरे धीरे जो लाइफ है वो चेंज होने लग गई फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू मूविंग टू द डिफरेंट सेक्शन. टोटली नहीं हुए थे, बट एक लार्ज पार्ट जो है वो अब चेंज हो रहा था, बिकमिंग मोर सेटल्ड एंड प्रैक्टिसिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Now, one such area जहाँ पे farming और pastoralism जो है वो बहुत important बन गया था, बहुत spread हो रहा था, वो था around 10,000 years ago, fertile crescent area, जो basically Mediterranean coast से Zagros mountain ईरान तक extended था. यहाँ पे agriculture introduce हुआ, लोग रहने लग गए एक place पे permanently longer periods के लिए, permanent houses बने mud bricks के, even stone के. और समवेयर धीरे धीरे यहीं पे अर्लीस्ट नोन विलेजेस डेवलप हुई, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की है और हमें बताई. फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म जो है इससे इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत सारे चेंजेस का, बिकॉज आप सेटल लाइफ रह रहे हो, आपने फार्मिंग कर लिया, आप रह रहे हो, आपके पास टाइम है, आप और चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. यू विल नीड पॉट्स फॉर एक्चुअली स्टोरिंग योर फूड और मे बी देन कुकिंग ऑल्सो. तो पॉट्स बनाए उन्होंने स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, प्रोड्यूस करने के लिए, कुक फूड करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए ग्रेन्स और बाकी जो प्रोड्यूस है उनको और फूड को कुक करने के लिए पॉट्स बनाना शुरू किया. अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स यूज किए, ऑब्वियसली फार्मिंग से रिलेटेड टूल्स होंगे भाई जो फार्मिंग में काम आ जाए, सिकल हो एक्सेट्रा जैसे सिंपल वंस. इसके अलावा अदर न्यू टूल्स जैसे प्लो जो है वो यूज होने लग गया एग्रीकल्चर में. लोग जो है मेटल्स जैसे कि कॉपर और टिन से फेमिलियर हुए. व्हील आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया पॉट मेकिंग में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी.
तो व्हील वॉज यूज बोथ फॉर पॉट मेकिंग एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो अबाउट 5,000 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल जो है वो साथ में रहने लग गए एक जगह पे, जो धीरे धीरे डेवलप होगा इनटू सिटीज. सिटीज क्या होती है बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड, वो हम करेंगे अगले चैप्टर में. इन डिटेल वी विल स्टडी अबाउट सिटी लाइफ, राइटिंग एंड वॉट एवर ऑल डेवलप इन दिस एरिया थ्रू स्टडिंग वन सेक्शन अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन डिटेल. कि कैसी लाइफ थी, कैसी सिटी थी, कैसे रहते थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या चेंजेस आए थे और कैसे एक नेक्स्ट फेज में पहुंच गई ह्यूमन हिस्ट्री. दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो विद दिस वी एक्चुअली कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर. वी विल जस्ट गो थ्रू द टाइम लाइन दैट वी विल दैट हैज बीन गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 27. And you can just see कि 36 to 24 million years ago हमारे primates थे और एशिया और अफ्रीका में monkeys थे. 24 million years ago के around hominids develop हो गए थे. We have chimpanzees and various kind of these animals that were found there. 6.4 million years में फिर hominoids और hominids में हो गए ये. 5.6 million years में australopithecus हो गए. 2.6 से 2.5 अराउंड मिलियन ईयर्स अगो ये लोग अर्लियर स्टोन टूल्स बनाने लग गए थे. 2.5 से 2.0 तक ये लोग अफ्रीका में सिचुएशन चेंज हो गई थी जिसके कारण वुडलैंड डिक्रीज हो गए, ग्रासलैंड्स बढ़ गए. फिर होमो आ गए 2.5 से 2.0 तक. 2.2 मिलियन अराउंड होमो हैबिलिस के एविडेंसेस हैं. 1.8 में इरेक्टस के हैं, होमो इरेक्टस के. 1.3 में फाइनली जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो एक्सटिंक्ट हो गए. 0.8 मिलियन ईयर्स में हमारे आर्केइक होमो सेपियंस के हमारे पास एविडेंसेस हैं, हेडलबर्ट जेनेसिस के हैं. फाइनली 0.19 से 0.16 मिलियन ईयर्स तक होमो सेपियंस सेपियंस मतलब मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो उनके एविडेंसेस अपने पास हो गए. और हमारे पास जो एविडेंसेस मिले हैं अबाउट द वेरियस यू कैन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो सोर्सेज मिले हैं वो अपने को बर्रियल्स के मिले हैं अराउंड 3 लाख देखेंगे तो इस टाइम पीरियड के स्लॉट में. और उसके बाद एक्सटिंक्शन हुआ होमो इरेक्टस के. देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स अराउंड किस टाइम पीरियड हुआ, होमो सेपियंस स्कल्स कहाँ पे मिले हमें, एंड स्विंग नीडल्स, अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ फिगर्स मेड ऑफ फायर्ड क्ले. सो ये एविडेंसेस अपने को मिले थे रिगार्डिंग वेरियस टाइम पीरियड्स. एंड यू कैन से ये जो इतने सारे एविडेंसेस मिले हैं दीज हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली ह्यूमंस. ओके, सो हियर यू बेसिकली नीड टू समहाउ जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पहले प्राइमेट्स थे, उसके बाद होमोनॉइड्स आए, होमोनॉइड्स और होमोनेट्स आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, उसके बाद होमो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड देन आर्केइक सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस. यानी ये 26 से 24 मिलियन ईयर्स से फाइनली अपने लेस देन 1 मिलियन ईयर्स अगो तक का टाइम पीरियड का एक डिस्क्रिप्शन है अबाउट प्राइमेट, होमोनॉइड्स, होमोनेट्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस. ठीक है, सो दिस इज समवॉट वेग आइडिया यू शुड हैव. Somewhere it will help you to learn things in sequence. Okay. So with this we class complete our first chapter of history. I suppose everything is clear to you people. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, just tell me your problems and you can come back with your problems and we'll discuss and solve it in the next class. So meet you all in the next class.